प्यारे बच्चों, आज भी आपको हम वॉल्यूम का मैथ दिए हैं। ये वॉल्यूम का मैथ में आपका जरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखने का साथ आप इसको सोचिएगा कि आपको क्या करने बोला है। व्हाट क्वेश्चन आस्क फ्रॉम यू, व्हाट इज गिवेन, देन यू प्लेस द कंडीशंस, देन यू चूज हाउ टू डू द आस्किंग। फर्स्ट क्वेश्चन सेज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, स्फीयर गोल, जैसे फुटबॉल होता है गोल, मान लिया ये वाला सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज गिवेन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr² होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। क्लियर। इट इज मेल्टेड, मेल्ट किया हुआ है, मेल्ट करके रिकास्ट करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम, रिकास्ट क्या करेगा, रिकास्ट करके कौन बनाएगा। सी, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर बोल के दूसरा कुछ सोचिए मत। द पिट इज पैरेलल विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस हुज बेस इज 2.5 रेडियस, 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर। इट इज 2.5 सेंटीमीटर, दैट इज आर। प्लीज यू मेक इट इन स्मॉल आर एंड दिस इज कैपिटल आर, बिकॉज दिस विल मेट आफ्टर मेल्टिंग ऑफ दिस। सो दिस नंबर ऑफ कोन इज मैक्सिमम, वर इज इट इज नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 1। नाउ यू सी हाइट इज गिवेन 8 सेंटीमीटर, दिस इज द हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर। क्लियर। हाउ टू डू द स्फीयर, टोटल सर्फेस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr². नाउ यू राइट, स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1। हाइट 8 सेंटीमीटर आपको इतना बोल दिए, रेडियस 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, फर्स्ट आस्किंग रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। क्लियर। नाउ यू सी व्हेन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर इक्वल टू 4πr². तो वी नो एट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सर्फेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज गिवेन इनटू पाई आर स्क्वायर, यू राइट हियर 3.14 इनटू आर स्क्वायर, सिंपली आर स्क्वायर। एंड माय रिक्वेस्ट, व्हेन सॉलिड स्फीयर यू पुट द कैपिटल आर 3.1 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 4, 4 इज कमिंग अगेन। नाउ इट इज हाउ मच, 314। एंड नाउ यू सी दिस 314 कम बैक, देयर फोर आर स्क्वायर इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाय 3.14, व्हिच इज इक्वल टू हाउ मच, 3.1/4। वेरी कैजुअली यू डू इट एंड दिस 100 विल गो अप। Now you see, this will cancel, 100 is nothing, r² is equal to 100, therefore r equal to how much, r equal to 10. The radius of the solid metallic sphere, r is equal to 10, answer 1, this is the answer 1, aapka answer 1 ho gaya. Now you come this side, volume of the solid sphere compared to volume of this. तो हम क्या जानते हैं, वी नो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 4/3πr³। तो आप इसको लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम, दिस इज द सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ कोन, बस इतना आप लिख लीजिए। तो आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ठीक है, इसको आराम से लिखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ कोन्स। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3, दिस पाई इज 3.14 एंड आर क्यूब व्हिच आई हैव कैलकुलेटेड हियर एस 10 सेंटीमीटर। यू हैव टू राइट योर सेंटीमीटर यूनिट, मस्ट गिव इट, इफ यू नॉट गिव द यूनिट
इज द रॉन्ग आंसर इज रॉन्ग. सो 3.14 × 10 इक्वल टू लेट द वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू नथिंग बट 1/3 × π r² एच. पाई इज 3.14 × r. r इज हाउ मच? r इज 2.5. इट इज गिवेन 2.5 × 2.5 × 8 × n. रिमेंबर वन थिंग, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 π r³. 4/3 π r³ एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू नथिंग बट 1/3. ए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, ए वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 π r² × h. क्लियर? एंड नाउ यू डू इट. नाउ यू सी दिस 3 कैंसिल. 3.14 कैंसिल. नाउ यू सी 4 and 10 एंड हियर इज हाउ मच? इट इज कमिंग हाउ मच? 4. आपको समझ में नहीं आया, देयरफॉर लिखिएगा 4 × 10 डिवाइडेड बाय दिस मच. हाउ इज 2.5 × 2.5 × 8. 8 इज कमिंग इन हियर इंटू 8 इक्वल टू हाउ मच? दैट इज n नंबर ऑफ कोन. नंबर ऑफ कोन सिंपली. नाउ यू डू इट. सो आपको क्या क्या आ रहा देख लीजिए. ये 2.5 आपका ऊपर में 10 चला जा रहा, दिस 2.5 ऊपर चला जा रहा, दिस 8. तो 4 से 8 कीजिए. क्लियर? यहाँ देखिए, एक तो हमने क्या गलती किया, स्फीयर का रेडियस 10 लिखा, 10 क्यूब होना चाहिए. यू हैव टू राइट इट 10 क्यूब. सो 10 × 10 × 10. क्लियर? 10 क्यूब 4/3 π r³ 10 क्यूब. तो आपका क्या हो गया देख लीजिए, ये 2.5 को अगर यहाँ काटिएगा दैट इज 4 आ जाएगा ऑटोमेटिकली. एंड दिस 2.5 काटेगा 4 आ जाएगा सिंपली. तो आपका यहाँ पर ए लेट काट लीजिए, दिस इज 2. तो अल्टीमेटली क्या दिया, नंबर ऑफ कोन इक्वल टू यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 2 and 10, दैट इज 80 नंबर. सेकेंड का आंसर हो गया, दिस द आंसर ऑफ सेकेंड. ये सेकेंड का आंसर सेकेंड. तो प्यारे बच्चों, पहले आपको क्या करना है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4π r² वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 π r³ जो मैंने बाद में 10 क्यूब कर दिए. क्लियर? रखिएगा ये वाला चीज हम जानते हैं, तो जब मर्जी हम करते ही बात नहीं है, आपको करना होगा पहले लिख के, नहीं तो आप गलती कर दीजिएगा. प्लीज़ आप क्वेश्चन को देखिएगा, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेल्ट होगा तो नंबर ऑफ कोन बनेगा उतना ही जितना इसका वॉल्यूम है. तो उसके लिए एक कोन का वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ कोन्स, मैंने वही लिखा है, वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ कोन्स. ठीक है, 4/3 π 3.14 × 10³. 10 आपका रेडियस मिल गया, यहाँ मैंने आपको निकाल दिया 10 सेंटीमीटर रेडियस. क्लियर? नाउ 4 × 10 × 10 × 10 इंटू नंबर ऑफ कोन्स इसीलिए दिए, यहाँ पर देखिए 3 नीचे का 3 तक कट गया, यहाँ 2.5 यहाँ 2.5 यहाँ 2.5 आया एंड 8 आ गया. क्लियर? कट कट का आपका 80 नंबर्स आया, 80 नंबर्स आपका कोन हुआ और रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर. प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे आप अपना दोस्त में शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा 200 एपिसोड कंप्लीट हो चुका है. और आपको जो भी तकलीफ होगा आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, हम आपका मैथ जरूर क्लियर कर देंगे. थैंक यू वेरी मच.